Good morning everyone. Today we are going to learn lesson number 5, Stree Purush Worksheet Solution, date 8-7-2020. Question number 1, Sahi Shabd Bharkar Vakya Pura Karo. Number 1, Blank So Raha Hai. Blank So Raha Hai. लिंग में क्या होता है कि जब लड़का होता है तो रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, सब में पीछे रहा है आएगा। और लड़की होगी तो सो रही है, पढ़ रही है, खा रही है, खेल रही है, तो पीछे रही है आएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रहा है क्या है, रहा है। तो आपको ऑप्शन में क्या है, शेर, शेरनी, तो क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा शेर, तो शेर सो रहा है, तो नंबर 1 में लिखोगे शेर। नंबर 2, ब्लैंक कहानी पढ़ रही है मतलब लड़की, तो नाना या नानी, तो नानी कहानी पढ़ रही है, तो सेकंड में आएगा नानी। ब्लैंक बिस्कुट खा रहा है तो चूहा और चूहिया, तो क्या आएगा, चूहा बिस्कुट खा रहा है। ब्लैंक मेरे साथ कैरम खेल रही है, ब्लैंक मेरे साथ कैरम खेल रही है, मौसा या मौसी, तो मौसी लड़की है, तो रही है तो लड़की आएगा, तो आंसर में आएगा मौसी, मौसी मेरे साथ खेल रही है। ब्लैंक हंस रही है ब्लैंक हंस रही है, तो माता या पिता, तो आएगा माता, माता हंस रही है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पर गोला लगाइए। स्त्रीलिंग मतलब लड़की वाला जो शब्द आपको दिखे उस पर आपको राउंड करना है, मीन सर्कल करना है। तो फर्स्ट में आदमी, नो वो लड़का हुआ, बकरी, घोड़ा या चाचा, तो घोड़ा और चाचा लड़के में आएगा, मीन्स पुल्लिंग में आएगा, तो कौन बचा, बकरी, बकरी स्त्रीलिंग में आएगा, मीन्स लड़की, तो बकरी पे हम सर्कल करेंगे। फिर पिता, माता, बैल, मामा, तो क्या आएगा, माता एक लड़की है, मीन्स स्त्रीलिंग है, तो माता पे हम सर्कल करेंगे। फिर कुम्हार, धोबीन, दादा और भाई, तो कुम्हार, दादा और भाई वो क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में आएंगे, मीन्स लड़के हैं, तो धोबीन, मीन्स धोबी की वाइफ को हम बोलते हैं धोबीन, तो धोबीन पे सर्कल करेंगे। फिर नौकर, मुर्गी, माली एंड बंदर, तो नौकर, माली एंड बंदर पुल्लिंग में आएंगे, तो कौन बचा, मुर्गा, तो मुर्गी, तो मुर्गी स्त्रीलिंग में आएगा, मीन्स लड़की की कैटेगरी में। छात्र, बालक, हाथी और बुढ़िया, तो छात्र, बालक और हाथी है वो पुल्लिंग में जाएंगे, और कौन बचा, बुढ़िया, बूढ़ा, तो बुढ़िया, तो बुढ़िया है वो स्त्रीलिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जोड़े बनाओ। जोड़े आपको मतलब मैथ द फॉलोइंग करना है। बेटा, बेटा तो बेटी, बेटा तो बेटी। शेर तो शेरनी, शेर तो शेरनी। पिता तो माता, पिता तो माता। एंड धोबी तो धोबिन, धोबी तो धोबिन। टर्न योर पेज। इन चित्रों को देखकर उनके नाम सही जगह पर लिखो। ओके, यहाँ स्त्रीलिंग मीन्स लड़का, सॉरी स्त्रीलिंग मीन्स लड़की, पुल्लिंग मीन्स लड़का। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो उनके नाम आपको सही जगह पर लिखना है। फर्स्ट में कौन है, तो हमारी मम्मी जैसी लग रही है, तो माता स्त्रीलिंग में आएगी, तो यहाँ लिखेंगे माता, उनकी जगह आप मम्मी भी लिख सकते हो। फिर ये कौन है, लड़का है, तो लड़का किस में आएगा, नीचे पुल्लिंग में, तो लिखोगे लड़का, उसकी जगह आप कोई भी लड़के का नाम भी लिख सकते हो, आपका नाम भी लिख सकते हो।
फिर एक और है लड़की है, तो लड़की स्त्रीलिंग में, तो लड़की इसकी जगह आप कोई भी गर्ल का नाम भी लिख सकते हो। ये कौन है, गाय है, ये कौन है, गाय है, तो गाय स्त्रीलिंग में आएगी। काउ होता है वो लड़की होती है, तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। फिर ये कौन है, दादाजी, तो दादा पुल्लिंग में आएगा। फिर दादी स्त्रीलिंग में, शेर लड़के में मीन्स पुल्लिंग में, और ये कौन है, दर्जी, तो दर्जी भी पुल्लिंग में। ओके ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखो। लड़के पुल्लिंग मीन्स लड़का और स्त्रीलिंग मीन्स लड़की, तो आपको जो भी लड़के लड़के कैटेगरी में आते हो मीन्स जो पुल्लिंग लगे उसको आपको यहाँ लिखना है, और जो शब्द आपको स्त्रीलिंग लगे वो यहाँ लिखना है। तो मोर, तो मोर कौन आएगा, पुल्लिंग में, तो यहाँ फर्स्ट में लिखोगे मोर। फिर छात्रा, तो मैंने आपको समझाया था कि जो स्टूडेंट लड़का हो उसको छात्र कहते हैं, जो स्टूडेंट लड़की हो उसको छात्रा कहते हैं, तो लड़की में हम लिखेंगे छात्रा। फिर सांप, सांप है लड़का मतलब पुल्लिंग, तो सांप यहाँ पे। हाथी, हाथी भी पुल्लिंग। देन बंदरिया, बंदर की वाइफ को क्या बोलते हैं, बंदरिया, तो बंदरिया आएगी गर्ल में स्त्रीलिंग में बंदरिया। देन बेटी, बेटी आएगा स्त्रीलिंग में, बेटी आएगी स्त्रीलिंग में। मुर्गा, मुर्गा पुल्लिंग में। देन धोबी, धोबी भी पुल्लिंग में। अब कौन बचा, रानी एंड बहन, रानी राजा तो रानी, तो गर्ल में आएगा मीन्स स्त्रीलिंग में, एंड भाई तो बहन, तो बहन लास्ट में स्त्रीलिंग में, लास्ट में स्त्रीलिंग में। ओके बाय एवरीवन।